नगर निगम द्वारा मानसून से पहले महानगर के 230 छोटे बड़े नालों की सफाई अभियान के तहत नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने शनिवार को मोहद्दीपुर क्षेत्र में हो रहे नाले की सफाई कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मियों को 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया। इस मौके पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि महानगर में बारिश के दिनों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसको देखते हुए नगर निगम महानगर के सभी छोटे बड़े नालों की सफाई अभियान चला रहा है। मोहद्दीपुर क्षेत्र में हो रहे नालों की सफाई में 100 कर्मचारियों को लगाकर नालों की तल्ली झार सफाई करवाई जा रही है, जिसमें जेसीबी पोकलैंड मशीन को भी लगाया गया है। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि नालों में कूड़ा कचरा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने महानगर वासियों से अपील की है कि वे अपने आसपास जो नाले नालियां हैं उसमें कूड़ा करकट ना डालें और उनका साफ सफाई करते रहें। इस मौके पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने सफाई कर्मचारियों का हौसला अफजाई करते हुए अपनी तरफ से 11,000 रुपए की नगद इनाम दिया। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला सहित नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, मछलियाँ बिकती हैं सर। हमारे जो नगरी क्षेत्र में या कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में जो हर बारिश में हर मानसून सीजन में जो वाटर लॉगिंग हो जाती है उसको रोकने के लिए भी लंबे समय से हम लोग एक नालों की तली झाड़ सफाई के अभियान चलाए हुए हैं। उसके तहत ही हम लोग मोहिद्दीनपुर के तरफ जाने पर वहाँ के नाले की सफाई देखी, जिसमें कि लगभग 100 के करीब हमारे श्रमिक जो हैं उसमें काम कर रहे हैं और जो कि मैनुअली काम कर रहे हैं। इसके साथ बड़ी संख्या में हमारी मशीनें लगी हुई हैं, पोकलैंड मशीन लगी है, जेसीबी मशीन लगी है और ये जो मोहिद्दीन का जो एक नाला है ये जाके रामगढ़ ताल में गिरता है, तो हम लोग एकदम
एंड तक गए, एंड से लेकर एंड तक हम लोगों ने उसको चेक किया है, सफाई की कार्य देखा और कार्य निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा हो रहा है। और इसका पूरा श्रेय जो हमारे मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय हैं, उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय हैं, इन लोग बहुत ही मेहनत से इस काम को कर रहे हैं। और आज इसीलिए मैंने अपने इन कर्मचारियों की मेहनत को देखकर मौके पर ही उनको 11,000 रुपये का जो है एक कह लीजिए कि एक उनको एक प्रोत्साहन की धनराशि जो देने का फैसला लिया है और उसको मैंने वहाँ मौके पर अनाउंस भी किया है। तो निश्चित रूप से जो जितने भी नगर निगम के कर्मचारी इस वक्त जो लगे हुए हैं मेहनत से काम कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम अपने इस नगर निगम की सीमा के भीतर वाटर लॉगिंग को काफ़ी हद तक रोकने में सफल रहेंगे। देखिए, जो हमें अभियान छेड़े हुए हैं इसमें एक चीज़ और भी साथ साथ कर रहे हैं कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ पब्लिक को भी जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि पब्लिक को जागरूक करें, उनको मोटिवेट करें कि हर नाले में आप देखो तो सबसे ज़्यादा हो तो एक थर्मोकोल के डिब्बे, जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स, ये अंकल चिप्स या जो दुनिया भर के चिप्स आजकल चल रहे हैं उनके पैकेट्स, ये सब उसमें गिरे हुए हैं। मोहिद्दीनपुर नाले में सबसे ज़्यादा जो थर्मोकोल के जो पैकेट मिले, क्योंकि वहाँ पर जो मछली बाहर फिस आती है उसको बेचने वाले लोग मछली बेचने के बाद जो डिब्बे खाली होते हैं उनको नाले के अंदर डाल दे रहे। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत परंपरा है, क्योंकि एक तरफ तो पूरा हम लोग लगातार नालों की सफाई कर रहे हैं, कुछ लोगों की वजह से जब वाटर लॉगिंग होती है तो पूरे शहर को सफ़र करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को हम पूरे शहर को अपने मतलब अब उनकी गलतियों का खामियाजा हम भुगतने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। अगर ये इनको बताया जा रहा है, अगर ये नहीं मानेंगे तो इन लोगों के खिलाफ़ कठोर वैधानिक कार्रवाई करूँगा, हम लोग करेंगे। इसके साथ ही इस जो जा रहा है हमारा नाला, इसके ऊपर जो एक आपने देखा होगा एक फिशिंग नेट आता है, उसको नेट देने का भी हम लोगों ने लगाने का निर्णय लिया है। उसको माननीय सांसद जी श्री रवि किशन जी ने भी इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बताया था कि फॉरेन में भी कई जगह इस प्रकार से नालों कवर करते हैं, जिससे कि लोग ऊपर से जो चीज़ डालते हैं वो उसमें नाले में नहीं जा पाता है। तो नालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस फिशिंग नेट को भी हमने लगाने का निर्णय लिया, अगले कुछ दिन में वहाँ पर ये नेट लग जाएगा। तो आने वाले समय में हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारा नगर निगम है उसमें रहने वाले लोगों को इस बार पानी की समस्या से निश्चित रूप से जूझना नहीं पड़ेगा।